हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नहाना धोना हो चुका है। अब आज है हरेले का त्यौहार। तो फिलहाल आप सब लोग को मेरी तरफ से हरेले की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो फिलहाल अब नहा लिया है, अब पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो गाइस अब करते हैं मंदिर की सफाई वगैरह, मैया के कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। पूजा पाठ सब हो चुकी है। अब
करिए मेरी माता रानी के दर्शन। मेरी मैया कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो मेरी माता रानी हमेशा सुंदर लगती है। इधर मेरी नारियल की मैया हैं। तो फिलहाल अब करते हैं बाकी का काम, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। पे मेरी बेटी अपने पापा को और उसके बाद अपने भैया को हरेला पूज रही है। पूजने के बाद अब दिन के खाने की तैयारी चल रही है, तो अब बनाते हैं हम दिन का खाना। छील लेते हैं फिर बनाते हैं। थोड़ा भांग भून दोगे? इसमें कितने सीट लगी? किसमें? दाल गल रखी हो? गल रखी है? हाँ तो बंद हो गया? हाँ हाँ होगी होगी। भांग भून दो थोड़ा सा। नहीं क्या पकाने जा रहा हूँ? यहीं पे खोलो डोर को। दो होंगे। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। लाइट क्यों ऑन कर? हरा धनिया बन गई भांग की और आम की चटनी। तो गैस यहाँ भटजी लगाने लग गए हैं खाना। आप खाना वाना खाते हैं फिर हम लोग डालने खाना वाना। Thank you.
पीना सब हो चुका है, ब्रे बर्तन वगैरह भी मल दिए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। हालत ख़राब हो गई, गर्म कितना हो गया है। तो गाइस खाना वाना खाने के थोड़ी देर बाद आज था हरेला, तो आज हरेले के दिन लगाते हैं थोड़े पौधे वौधे पेड़ वेड़ लगाते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर गुलाब की कटिंग लगा रही हूँ, कहते हैं हरेले के दिन हरियाली करनी चाहिए, तो इसलिए मैं गुलाब की कटिंग लगा रही हूँ। तो हो सके तो आप लोग भी कोशिश करिए कि हरेले के दिन गुलाब की कटिंग जो करिए, जो पौधा आपको मिल जाए उसे लगाएं, उससे हरियाली बनी रहती है। तो हरेले का त्यौहार हरियाली का ही त्यौहार होता है, इसलिए मैं यहाँ पौधे वगैरह गुलाब की कटिंग वगैरह लगा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस पेड़ वेड़ लगाने के बाद रात हो गई थी, तो रात के खाने की तैयारी। तो गाइस आटा वगैरह गूंथ चुका है, अब बाकी देखते हैं उधर सब्जी का क्या हाल है, सब्जी वगैरह देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में बनाएंगे हम पूरी। तो गाइस इधर रख दिया तेल पूरी तलने के लिए, उधर सब्जी बन गई, इधर रख दिया खीर। तो फिलहाल अब बनाते हैं हम पूरी। पूरी वगैरह बन चुकी हैं अब, और इधर खीर भी मेरी बन चुकी है। तो अब हम लोग खाना वाना बन गया है, अब खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। तो गाइस खाना वाना बन चुका है, अब खाना वगैरह खाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।